तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 25.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके इसका थ्योरम 25.2 का, कुछ आप लोग का कंसेप्ट समझाए थे, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और हम लोग को दो सदिशों का जोड़, ये समझ चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा, ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है, करा चार बिंदुओं, कितना बिंदु दिया, चार बिंदु ए बी सी और डी के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए, यहां पे लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए का ना स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश क्या दिया हुआ, वेक्टर ए। फिर लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो बी का स्थिति सदिश क्या दिया हुआ, वेक्टर बी, वेक्टर बी, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या गिवन है, टू वेक्टर ए प्लस में थ्री वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या दिया हुआ, वेक्टर ए माइनस टू वेक्टर बी है, सदिश वेक्टर ए सी क्या करा ज्ञात करने के लिए, वेक्टर ए सी, वेक्टर बी डी और वेक्टर बी सी तथा वेक्टर ए सी को ए और बी के पदों में व्यक्त कीजिए। तो वेक्टर ए सी करा ज्ञात करने के लिए, तो वेक्टर ए सी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पोजीशन, पोजीशन को पी से, वेक्टर को बी से, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या करेंगे ए, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को करा पोजीशन वेक्टर ए सी, ए वेक्टर ए सी निकालने के लिए, तो वेक्टर ए सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या दिया हुआ है, टू वेक्टर ए प्लस में थ्री वेक्टर बी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या दिया हुआ, वेक्टर ए। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए प्लस में थ्री वेक्टर बी, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करा, बी डी फाइंड करिए, क्या डी बी, वेक्टर डी बी, तो वेक्टर डी बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ये हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या दिया हुआ, वेक्टर बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या दिया हुआ, वेक्टर ए माइनस में टू वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस में टू वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, थ्री वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी डी। अब हम लोग को करा वेक्टर ए सी फाइंड करने के लिए, तो वेक्टर ए सी, तो इसको रफ करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या कर दिया, वेक्टर ए सी, तो वेक्टर बी सी, अब वेक्टर बी सी फाइंड कर सकते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या ना बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, टू, टू वेक्टर ए प्लस में थ्री वेक्टर बी, थ्री वेक्टर बी माइनस में बी, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, ए कह लिए हम लोग। अब यहाँ से हम लोग इसको सब्ट्रैक कर देंगे, टू वेक्टर ए और यहाँ पे घट जाएगा तो टू वेक्टर बी, ए आ गया। अब हम लोग अगला कह रहा है ज्ञात करने के लिए वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी फाइंड करना बड़ा सिंपल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या कह लीजिए ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या ना, टू वेक्टर ए प्लस में थ्री वेक्टर बी माइनस में वेक्टर ए, तो वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या हो जाएगा ना, वेक्टर ए,
वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर ए है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए और प्लस में 3 वेक्टर बी, ए हो गया आंसर ना। तो ए करा था हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए, वेक्टर ए सी और ए सी, ए सी दो जगह हो गया, रुके एक मिनट, और यहाँ पे सी ए है, सी ए है, तो ए करा सी ए ज्ञात करने के लिए। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस में पोजिशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, सी। तो ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए क्या ना, वेक्टर ए माइनस में पोजिशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएगा, 2 वेक्टर ए प्लस में, प्लस में 3 वेक्टर बी। अब इसको घटा लीजिए तो माइनस में वेक्टर ए और माइनस में 3 वेक्टर बी, ए हो गया आंसर। तो ए ए लिख लिया हम लोगों ने, वेक्टर ए और वेक्टर बी के पदों में आंसर फाइंड हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे, क्या करा ना, 2 करा आदि वेक्टर ए डी, ए डी बी ई तथा सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं है। तो सिद्ध करे कि इतना बराबर 0, तो इसको ना बड़ा सिंपल है, क्या करा ना, दिया हुआ यहाँ पे त्रिभुज हम लोग सबसे पहले बनाएंगे ए बी और सी, फिर करा बी ए डी, ए डी ए डी और बी ई, बी ई बी ई, फिर करा सी एफ, सी एफ सी एफ, ए दे दिया, फिर करा त्रिभुज की माध्यिकाएं, ये क्या त्रिभुज की माध्यिकाएं, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए यहाँ पे प्रूफ में करा ए डी प्लस में बी ई और प्लस में सी एफ बराबर में क्या दिखाना है, 0। तो ए दिखाना, तो हम लोग ना एल एच एस चल देंगे, क्या ना ए डी अब प्लस में बी ई अब प्लस में सी एफ, ए चल देंगे। अब इसको दिखाने के लिए यहाँ पे ध्यान दें, ए डी ए डी ए डी को लिख सकते हैं क्या, ए बी और बी डी, ए बी अब प्लस में बी डी, ए लिख सकते हैं, ए डी ए डी क्या रिजल्टेंट का काम करेगा, तो ए बी अब प्लस में बी डी, ए बी प्लस में बी डी। उसी प्रकार से बी ई है, तो बी ई को क्या लिख सकते हैं, बी सी, बी सी अब प्लस में सी ई, क्या लिख सकते बी सी प्लस में सी, ए बी सी बी ई को लिख सकते हैं बी सी अब प्लस सी, अब प्लस में सी एफ, सी एफ सी एफ को क्या लिख सकते हैं, सी ए, सी ए अब प्लस में ए एफ, ए एफ, ए लिख ली। अब ध्यान दें क्या ना, यहाँ पे लिख सकते इसको ऐसे भी, ए बी वेक्टर ए बी अब प्लस में बी डी, बी डी वेक्टर बी डी को लिख सकते बी सी, बी सी वेक्टर बी सी बाय टू एस लिख सकते हैं, बी डी हाफ है, एक कह रहा ना यहाँ पे माध्यिकाएं, ये माध्यिकाएं है, मिड पॉइंट है, जितना ए है उतना ये भी है, तो ये मिड पॉइंट है, तो बी डी किसका है ना, बी सी का हाफ है, तो बी सी का हाफ लिख दिए। अब प्लस में क्या ना, यहाँ पे है बी सी, बी सी रहने दीजिए, सी ई, सी ई, सी ई क्या ना हाफ है किसका, सी ए का, इसको लिख सकते हैं सी ए का क्या ना हाफ है आपका सी ई, फिर सी प्लस में सी ए, सी ए, और प्लस में क्या ना ए एफ है, ए एफ, ए एफ हाफ है किसका, ए बी का, ए बी का, तो ए बी का क्या ना हाफ है, ए बी का हाफ है, ये कह लें। अब यहाँ पे ऐड कह लें ए बी और प्लस में हाफ ए बी, तो क्या हो जाएगा, 3 ए वेक्टर ए बी बाय 2, ये दोनों सेल्सियम लेंगे तो क्या आएगा, 3 बाय 2, ये दोनों सेल्सियम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बाय 2 बी सी वेक्टर बी सी, इससे दोनों कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, 3 सी ए बाय 2, ये आ गया। अब सभी से कॉमन दिख रहा है 3 बाय 2, 3 बाय 2 कॉमन, यहाँ पे क्या मिल गया, वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी प्लस में वेक्टर सी ए। तो ये हम लोग त्रिभुज के जोड़ नियम, त्रिभुज का योग नियम क्या होता है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, तो आदि त्रिभुज के
त्रिभुज के नियम से तीनों भुजाओं का योग क्लॉक बाय डायरेक्शन में हो या एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में हो तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है जीरो। ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या जीरो, नहीं तो इसको लिख सकते हैं ए बी, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ए सी, डायरेक्ट क्या लिख सकते ए सी, ए बी और बी सी को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं, ये बी बी कैंसिल हो जाता है डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं। अब प्लस में ए क्या ना सी ए है, सी ए है तो इसको अगर चेंज करके लिख दे तो ए ए सी ए को ए सी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव में दे देगा, क्या देगा निगेटिव में दे देगा, सी ए है तो ए सी इसको चेंज कर देंगे सी ए से ए सी हो जाएगा क्या में निगेटिव में, तीन पॉजिटिव ए निगेटिव कट गया थ्री बाय टू इन टू जीरो तो क्या आ गया जीरो, ए हो गया प्रूफ। ए क्वेश्चन नंबर टू क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। थ्री क्या कराना पांच बल ए बी ए सी और ए डी ए ई और ए एफ एक समषष्ठभुज ए बी सी डी ई एफ के शीर्ष पर लगते हैं तो साबित कीजिए उनका परिणाम सिक्स वेक्टर ए ओ है जहां ओ षष्ठभुज का क्या है ना केंद्र है। तो ये ना क्वेश्चन नंबर थ्री भी बड़ा आसान है, पहले क्या ना हम लोग षष्ठभुज बना लें, क्या बना लें षष्ठभुज बना लेते, क्या बना लेते षष्ठभुज बना लेते, ये हम लोग षष्ठभुज बना लेंगे पहले इस तरीके से और ए बना ले षष्ठभुज, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या ना ए ए बी सी डी ई और एफ, ए नाम दे दी ए बी सी डी एफ क्या रहा ना ओ जो केंद्र है षष्ठभुज का, इसको केंद्र है तो यहाँ पे सबको क्या कह लीजिए मिला दीजिए, सभी को क्या कह लेते मिला दी। तो प्रूफ करने के लिए कह रहा यहाँ पे क्या प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा 6a मतलब षष्ठभुज के यहाँ पे प्रूफ में हम लोगों का है, तो प्रूफ में हम लोगों करना है क्या करा पांच बल वेक्टर AB प्लस में वेक्टर AC प्लस में वेक्टर AD प्लस में वेक्टर AE प्लस में वेक्टर AF का सम जोड़ क्या ना किसके बराबर है परिणाम उनका परिणाम 6 इंटू वेक्टर ओ ए है जहां ओ षष्ठभुज का क्या है केंद्र है। तो ए हम लोग यहां पे षष्ठभुज का ए बी सी डी एफ केंद्र मानकर और सारे ए आपका यहां पे बल को ऐड करते हैं तो क्या 6 वेक्टर ए ओ प्राप्त होता है, ए प्रूफ करना। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या चल देंगे LHS, तो ए ना दिया हुआ वेक्टर ए बी और प्लस में वेक्टर ए सी प्लस में वेक्टर ए डी और प्लस में वेक्टर ए ई और प्लस में वेक्टर ए एफ ए दिया हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं क्या वेक्टर ए बी, ए बी को लिख सकते हैं वेक्टर ए ओ और प्लस में ओ बी एस लिख सकते हैं वेक्टर ए ओ और प्लस में ओ बी, ए सी ए सी को लिख सकते वेक्टर ओ ए ओ वेक्टर ए ओ और प्लस में ओ सी ये लिख सकते, फिर वेक्टर ए डी वेक्टर ए डी वेक्टर ए डी को लिख सकते क्या ना वेक्टर ए ओ प्लस में ओ डी वेक्टर ए ओ और प्लस में ओ डी ये लिख सकते हैं, फिर क्या करा वेक्टर ए सी ए ए सी ए सी वेक्टर ए सी को लिख सकते हैं वेक्टर ए ओ वेक्टर ए ओ प्लस में ओ ई प्लस में फिर करा ए एफ, ए एफ लिखना है तो वेक्टर ए ओ और प्लस में ओ एफ वेक्टर ए ओ और प्लस में ओ एफ ए लिख लेंगे, ए लिख लें तब यहाँ पे ऐड कर लीजिए 1 2 3 4 और 5 तो 5 वेक्टर ए ओ आ गया अब प्लस में, अब क्या बच गया ओ बी वेक्टर ओ बी अब प्लस में वेक्टर ओ सी अब प्लस में वेक्टर ओ डी प्लस में वेक्टर ओ डी अब प्लस में वेक्टर
ओ एफ प्लस में वेक्टर ओ एफ ए लिख ली। अब ध्यान दे यहाँ पे क्या इसको इस तरीके से लिख सकते वेक्टर ओ डी को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में वेक्टर ओ ई ए लिख ली। सारे जो बच गया उसको लिख दे। क्या अब यहाँ पे लिख सकते इसको फाइव वेक्टर ए ओ अब प्लस में ओ बी, क्या है ना ओ बी को रहने दीजिए वेक्टर ओ डी, वेक्टर ओ बी अब प्लस में ओ सी, प्लस में वेक्टर ओ सी रहने दीजिए ओ डी। तो यहाँ पे दिख रहे हैं ओ डी और ए ओ सेम है ना। यहाँ पे ओ डी को लिख सकते यहाँ पर ए ओ वेक्टर ओ ए, ओ डी को लिख सकते वेक्टर ए ओ, ओ डी इक्वल है किसके वेक्टर ए ओ के, ए लिख ली। फिर करा ओ एफ, ओ एफ तो ओ एफ देखे तो ओ एफ किसके इक्वल होगा, ओ एफ तो ओ सी के इक्वल हुआ, किसके इक्वल होगा ओ सी के, ओ एफ ओ एफ। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं सी ओ इक्वल होगा अब प्लस में ओ ई, ओ ई तो ओ ई इक्वल होगा किसके बी ओ के, ओ बी किसके इक्वल होगा बी ओ के, तो ए लिख सकते हैं बी ओ के इक्वल होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक पांच एक कितना हो जाएगा सिक्स वेक्टर ए ओ अब प्लस में ओ बी को अब चेंज कर देंगे, अगर ओ बी है तो बी ओ लिख लेंगे तो क्या में आ जाएगा निगेटिव में, ओ सी है इसको निगेटिव में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव है तो निगेटिव में उल्टा लिखेंगे, और यहाँ पे बच गया सी ओ और बी ओ, तो ए पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कट गया, क्या मिल गया सिक्स वेक्टर ए ओ। तो पांचों बलों का सम क्या आ जाएगा सिक्स वेक्टर ए ओ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर देखेंगे, कह रहा त्रिभुज ए बी सॉरी ए बी सी डी ई एफ एक सम षष्ठभुज है। तो यहाँ पे ना सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग षष्ठभुज बनाएंगे इस तरीके से। तो एक षष्ठभुज हम लोग पहले ग्राफ ड्रा कर लेंगे षष्ठभुज का, और ए आ गया आपका क्या ना षष्ठभुज, इसको ले लीजिए ए, और यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या ना ए, और ये हो जाएगा बी सी और डी ई, और ये क्या हो जाएगा एफ, ये षष्ठभुज मान ली। और फिर का ना षष्ठभुज है तो साबित करें कि ए सी, ए सी फिर करा ए डी, तो ए डी इसको मिला दीजिए, और फिर करा ए ई, ए ई और एफ ए बराबर में थ्री ए बी, ए प्रूफ करने के लिए करा थ्री ए बी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या ना इसको ऐसे रहने देते हैं, या इसको ए एफ को मिला दीजिए, तो ए हम लोग क्या कह लेना मिला लिए। तो इसको क्या ना यहाँ पे प्रूफ में क्या करना है हम लोगों को वो लिखना पड़ेगा, क्या में प्रूफ लिखना है ए सी हम लोग को और ए डी और प्लस में ई ए और प्लस में एफ ए वेक्टर एफ ए बराबर क्या दिखाना है थ्री वेक्टर ए बी ए दिखाना। तो ए दिखाने के लिए हम लोग क्या चलेंगे एल एच एस में, क्या गिवन है वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस में वेक्टर ए ई ए, ई ए प्लस में वेक्टर एफ ए और ए। अब यहाँ पे ध्यान दे वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी वेक्टर ए सी को लिख सकते ऐसे वेक्टर ए बी अब प्लस में वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस में वेक्टर बी सी और ए डी, ए डी वेक्टर ए डी वेक्टर ए डी को लिख सकते ना यहाँ पे क्या लिख सकते ए डी को वेक्टर ए डी को, और यहाँ पे वेक्टर ए डी किस तरीके से लिख सकते लिख सकते बी सी का दुगना, क्या लिख सकते वेक्टर बी सी का दुगना, वेक्टर बी सी का दुगना। तो ए ना इतना वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक ए दुगना है किसका ना ए डी, ए डी किसका दुगना होगा वेक्टर बी सी का, तो ए दुगना होगा वेक्टर बी सी का। अब हम लोग को लिखना है ई ए, ई ए तो वेक्टर ई ए, वेक्टर ई ए को लिख सकते वेक्टर ई एफ और प्लस में एफ ए, एफ ए लिख सकते वेक्टर
ई ए को, फिर करा वेक्टर एफ ए, तो एफ ए वेक्टर एफ ए रहने दीजिए, वेक्टर एफ ए रहने देंगे, यहाँ से लिख लेते तो ए बी, यहाँ इसको लिख लेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी प्लस में टू बी सी और यहाँ पे बी सी, तो क्या हो जाएगा थ्री बी सी वेक्टर बी सी, और प्लस में ई एफ, ई एफ, ई एफ किसके इक्वल होगा सी बी के, ई एफ किसके इक्वल होगा सी बी के, ई एफ और यहाँ पे लिख सकते हैं सी बी, ई एफ को क्या लिख सकते हैं सी बी, और प्लस में, प्लस में एफ ए, एफ ए तो क्या हो जाएगा टू एफ ए, क्या लिख सकते टू एफ ए, यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए बी और प्लस में थ्री वेक्टर बी सी और प्लस में सी है, तो इसको अगर चेंज कर देंगे तो चेंज क्या हो जाएगा निगेटिव में, सी बी है तो क्या हो जाएगा वेक्टर बी सी और प्लस में टू एफ ए, तो एफ ए, एफ ए को लिख सकते हैं एफ सी, क्या लिख सकते हैं एफ सी वेक्टर एफ सी और प्लस में एफ सी प्लस में सी बी, क्या लिख सकते हैं वेक्टर में सी बी और प्लस में सी ए, क्या लिख सकते हैं प्लस में बी ए वेक्टर बी ए, ए लिख सकते हैं, ए लिख लिया हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी और प्लस में थ्री वेक्टर बी सी, और यहाँ पे तो घट जाएगा तो क्या आ जाएगा टू बी सी, क्या आ जाएगा टू बी सी, और प्लस में एक टू एफ सी, एफ सी, एफ सी किसके दुगना होगा ए बी का दुगना होगा, एफ सी किसके दुगना है तो ए बी के, तो एफ सी को लिख सकते टू ए बी, टू ए बी, एफ सी को क्या लिख सकते टू ए बी प्लस में सी बी वेक्टर सी बी और बी ए, तो बी ए वेक्टर बी ए को अगर लिख दे वेक्टर ए बी तो क्या आ जाएगा निगेटिव में, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए बी और प्लस में टू वेक्टर बी सी और प्लस में ये आ जाएगा टू, टू इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मिल जाएगा वेक्टर ए बी और प्लस में ये आ जाएगा, इसको चेंज कर दे तो क्या मिल जाएगा माइनस में सी वे सॉरी बी सी वेक्टर बी सी, ये चेंज कर दिए तो ये पर हो जाएगा वेक्टर ए बी और प्लस में टू वेक्टर बी सी अब प्लस में टू वेक्टर ए बी और माइनस में टू वेक्टर बी सी, तो माइनस प्लस कैंसिल और टू और वन कितना हो जाएगा थ्री ए बी, तो थ्री वेक्टर ए बी यही प्रूफ करना था और ए हो गया प्रूफ थ्री वेक्टर ए बी। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फोर, अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर फाइव, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर हम लोग टू थ्री सभी से, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज सॉल्यूशन में क्या ना बड़ा सिंपल है, कह रहा है पहले हम लोग ग्राफ बना लेंगे त्रिभुज ए बी और सी, ए बना ली, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी भुजाएं ए बी तथा ए सी, ए बी और कह रहा है ए सी क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर समद्विभाजित करता है, ए बी किस पे बिंदु डी और ए सी बिंदु ई पर क्या करता है समद्विभाजित करता है, एक दो इक्वल भाग में डिवाइड क्या करता है इक्वल भागों में क्या करता है डिवाइड करता है, एक क्लियर हो गया। फिर करा दिखाइए कि बी सी बी और बी सी तथा डी सी बी सी, बी सी है ना, एक क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, बी ई ये क्या दिया हुआ बी ई, बी ई तथा डी सी से निरूपित सदिशों का और ए डी बी ई और ए डी सी, डी सी से निरूपित सदिशों का परिणाम और दिशा, मतलब यहाँ पे प्रूफ, प्रूफ में करा बी ई और प्लस में डी सी के सदिशों का परिणाम, सदिशों का परिणाम मतलब सम, सदिशों का परिणाम और दिशा में क्या ना थ्री बाई टू बी सी, बी सी से निरूपित होता ए करा निरूपित होता है, इतना बराबर ए प्रूफ करना, तो इसको ना प्रूफ करने के लिए बड़ा सिंपल है, एल एच एस चल दे, एल एच एस में क्या ना वेक्टर बी ई,
वेक्टर बीई प्लस में डीसी, तब बीई, तब बीई क्या ना वेक्टर बीई है तो क्या लिख सकते हैं वेक्टर बीसी, वेक्टर बीसी प्लस में सीई लिख सकते हैं, और डीसी, डीसी है तब डीसी को लिख सकते हैं वेक्टर डीबी, वेक्टर डीबी और प्लस में वेक्टर बीसी एस लिख सकते हैं, और बी डी और बी सी ए लिख दिए। अब यहाँ पे बी सी कितना हो गया टू वेक्टर बी सी, और सी ए सी ई सी ई वेक्टर सी ई वेक्टर सी ई, तो वेक्टर सी ई किसका हाफ है सी ए का, वेक्टर सी ए का क्या ना हाफ है, सी ए का हाफ है वेक्टर सी ई किसका है वेक्टर सी ए का हाफ है। इसको यहाँ पे लिख ले तो स्पेस में ठीक होगा, बी सी क्या लिख सकते टू बी सी, और प्लस में इसको लिख सकते क्या ना सी ए का वेक्टर सी ए का हाफ, सी ई का ना हाफ है किसका ए सी का हाफ है, और प्लस में फिर क्या ना बी डी है बी डी डी बी डी बी डी बी डी बी किसका हाफ है ए बी का, ए बी का, ए बी का क्या ना हाफ है, ये लिख ली। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते टू बी सी, टू बी सी अब प्लस में ए दोनों से ना हम लोग क्या ना यहाँ पे एलसीएम ले सकते, क्या ले सकते एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ए आ जाएगा इसमें एलसीएम टू, तो मिल जाएगा सी अब प्लस में ए बी, सी ए ए सी ए प्लस में ए बी, और ये हो जाएगा टू बी सी, टू वेक्टर बी सी प्लस में टू। यहाँ पे देखे तो सी ए, सी ए और ए बी, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते बी सी, तो क्या लिख सकते यहाँ पे क्या ना सी ए और ए बी है, सी ए और ए बी, तो इसमें किसका रिजल्टेंट काम करेगा सी बी का, सी बी क्या करेगा रिजल्टेंट का काम करेगा, सी बी रिजल्टेंट का काम करेगा, सी ए और ए बी को क्या लिख सकते सी बी वेक्टर सी बी, और ये लिख दिए टू वेक्टर बी सी। इसको चेंज करेंगे बी सी करेंगे तो क्या पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाएगा, हो गया। एलसीएम ले लीजिए टू, तो दो दूनी चार वेक्टर बी सी, माइनस में वेक्टर बी सी घटा देंगे थ्री वेक्टर बी सी बाई टू, ये हो गया आंसर, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, थ्री बाई टू वेक्टर बी सी, थ्री बाई टू वेक्टर बी सी, ये हो गया आसान वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या करना है ना सिक्स ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर सिक्स, कह रहा है इतना इतना कर्मशः ए बी सी तथा डी के स्थिति सदिश है, तो ये क्या ना गिवन है क्वेश्चन में स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ए का स्थिति सदिश क्या दिया हुआ वेक्टर ए प्लस में टू वेक्टर बी और प्लस में थ्री वेक्टर सी, फिर करा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या गिवन है टू वेक्टर ए वेक्टर बी और थ्री वेक्टर सी, फिर करा यहाँ पे सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या गिवन है टू वेक्टर ए और प्लस में फाइव वेक्टर बी अब माइनस में वेक्टर सी, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या दिया हुआ यहाँ पे फाइव वेक्टर ए अब प्लस में टू वेक्टर बी अब माइनस में वेक्टर सी, तो ए बी सी तथा डी का स्थिति सदिश दे दिया, तो करा सिद्ध करे कि वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी तथा ए सी समांतर है, तो ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना वेक्टर ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, और क्या करा ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये भी प्रूफ करना है कि ए बी सी डी
ए बी सी और डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, एक पुरुष का ना, तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या ना ए बी, तो समांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे, अगर वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा क्या हो जाए वेक्टर बी सी या वेक्टर ए बी तो वेक्टर क्या हो जाए डी सी, तो ये कहलाएगा क्या अब पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर सी डी सॉरी पैरेलल, तो पैरेलल चेक करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर ए बी, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी तो हम लोग को ये ज्ञात करना पड़ेगा वेक्टर ए बी, क्या फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या ना यहाँ पे है टू वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी और प्लस में थ्री वेक्टर सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है ना यहाँ पे ए गिवन है वेक्टर ए और प्लस में टू वेक्टर बी और प्लस में थ्री वेक्टर सी। अब इसको हम लोग यहाँ पे घटा के निकलेंगे तो माइनस में वेक्टर ए और प्लस में टू वेक्टर ए, तो क्या आ जाएगा वेक्टर ए, अब माइनस में वेक्टर टू बी माइनस में टू वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर बी, तो क्या आ जाएगा माइनस में वेक्टर बी और प्लस में थ्री वेक्टर सी और माइनस में थ्री वेक्टर सी, तो ये कट जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा वेक्टर ए बी, हम लोग को फाइंड हो गया वेक्टर ए बी। अब हम लोग फाइंड क्या कह लेंगे वेक्टर ए सी, क्या फाइंड कह लेंगे वेक्टर सी डी, सी डी वेक्टर सी डी, तो वेक्टर सी डी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो ए हो जाएगा वेक्टर सी डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या गिवन है फाइव वेक्टर ए और प्लस में टू वेक्टर बी और माइनस में थ्री वेक्टर सी, वेक्टर सी तो क्या गिवन है टू वेक्टर ए और प्लस में फाइव वेक्टर बी और माइनस में वेक्टर सी, ए गिवन है माइनस में। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे फाइव में वेक्टर ए और प्लस में टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, माइनस में टू वेक्टर ए और माइनस में फाइव वेक्टर बी और माइनस माइनस प्लस वेक्टर सी, ए कह लें। अब यहाँ पे ना इसको ऐड कर लेंगे तो ए क्या मिल जाएगा यहाँ पे, और एक मिनट वेक्टर यहाँ पे क्या ना सी, तो वेक्टर सी और यहाँ पर वेक्टर डी ए लिख ली। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब इसमें ना सब्ट्रैक कर देंगे तो क्या मिल जाएगा थ्री वेक्टर ए, और यहाँ पे सब्ट्रैक हो जाएगा तो माइनस में थ्री वेक्टर सी, माइनस प्लस सी ए कट गया और ए आ गया। अब इसमें कॉमन दिख रहा है क्या ना थ्री और माइनस थ्री वेक्टर ए और माइनस में वेक्टर बी, ए आ जाएगा, इसको लिख देंगे वेक्टर सी डी, तो ए हो जाएगा वेक्टर सी डी फाइंड हो गया। तो क्या लिख सकते वेक्टर सी डी बराबर में थ्री वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, तो ए हो जाएगा वेक्टर सी डी बराबर थ्री वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए बी, क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए बी, तो ए ना आपका क्या होना वेक्टर सी डी बराबर में लैम्डा वेक्टर ए बी, तो बराबर में क्या गया लैम्डा वेक्टर बी, तो ए आपका किसका रूल है ए कह देंगे ए समांतर चतुर्भुज है, मतलब ए क्या ना समांतर है, क्या है समांतर है ए बी तथा सी डी किसके समांतर है, और ए बी और सी डी के समांतर है, ए बी वेक्टर किसके समांतर है वेक्टर सी डी के समांतर है, तो ए बी सी डी के समांतर है, तो ए बी सी डी भी क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग सिक्स कंप्लीट कर, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे कह रहा क्या ना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तथा एल और एम कर्मशः विकर्ण ए सी तथा बी डी के मध्य बिंदु है। ओ यहाँ पे सॉल्यूशन में बड़ा सिंपल है ए बी सी डी क्या ना चतुर्भुज है, तो यहाँ पे हम लोग एक क्या ना चतुर्भुज बनाते, क्या बनाते एक चतुर्भुज इस तरीके से हम लोग बना लेते,
एक चतुर्भुज बना ली, फिर ए ए ले लेते हैं, ए बी सी और डी, फिर करा ए सी, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, एल तथा एम, ए सी एल एल और एम, किसका नाम, बी डी, बी डी एम, बी डी का एम, एम क्या ना मध्य बिंदु है, तो ए मध्य बिंदु है, मिला दिया, तो सिद्ध कीजिए, क्या करा ए सी, सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है ए सी, तो ए ना प्रूफ में लिख देंगे, प्रूफ में ए बी, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए डी, वेक्टर सी बी, या वेक्टर सी बी प्लस है वेक्टर सी डी बराबर फोर एल एम, वेक्टर में 4 एल एम, ए कहा जा रहा, प्रूफ कीजिए, इसको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या ना एल एच एस से चल देंगे, एल एच एस में क्या ना वेक्टर ए बी और प्लस में वेक्टर ए डी, क्या ना वेक्टर ए डी और प्लस में सी बी और प्लस में सी डी है, तो क्या इसको लिख सकते वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी को वेक्टर ए एल, वेक्टर ए एल, वेक्टर ए एल प्लस में एल एम, एल एम और प्लस में एम बी, एम बी, ए लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी को लिख सकते हैं ए एल, एल एम और एम बी और प्लस में वेक्टर ए डी, ए डी, ए डी को क्या लिख सकते हैं ए एल, वेक्टर ए एल, ए एल, एल एम अब प्लस में एम डी, एम डी, एम डी ये लिख सकते, अब प्लस में, अब यहाँ पे सी बी, सी बी, वेक्टर सी बी को लिख सकते हैं वेक्टर सी एल, वेक्टर सी एल, अब प्लस में एल एम, अब प्लस में एम बी, एम बी ये लिख सकते हैं, अब प्लस में, अब सी डी, सी डी वेक्टर सी डी को लिख सकते सी एल, सी एल और प्लस में एल एम प्लस में एम डी ए लिख सकते एम डी, तो सी एल, एल एम और एम डी ए लिख लें, अब यहाँ पर ए सी और ए सी लिख लेंगे वेक्टर ए सी और प्लस में एल एम, एल एम, एल एम, एल एम, कितना हो जाएगा फोर एल एम, ए लिख ले फोर एल एम, फिर आपका कह रहा बी एम, बी ए सी और ए सी आपका क्या ना एक की जगह आपका ए सी और बी एम बी, एम बी को लिख लीजिए एम बी, एम बी क्या लिख जाएगा एम बी, एम बी टू एम बी, टू एम बी, यहाँ पर ए सी, ए सी नहीं यहाँ पर ए एल है, ए एल है तो यह ए एल और ए एल कितना हो जाएगा टू ए एल, टू ए एल और प्लस में एम बी तो क्या हो जाएगा टू एम बी और यहां पर एल हो गया एम बी, एम डी, एम डी टू एम डी, टू एम डी ए लिख ले और प्लस में, प्लस में ए क्या हो जाएगा ना टू एम बी और सी एल, सी एल, सी एल टू सी एल ए लिख ली, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर एल एम को रहने दीजिए, टू ए एल को भी रहने देते हैं और टू बी एम, एम बी, टू एम बी भी रह गया, टू एम बी और प्लस में टू एम डी, एम डी, एम डी क्या ना एम डी, एम डी, एम डी ए क्या ना मध्य बिंदु है, एम किसका बी डी का, बी डी का मध्य बिंदु है, तो एम डी बराबर किसका होगा बी एम के, किसके इक्वल होगा बी एम के, ए किसके इक्वल होगा बी एम के, प्लस में टू सी एल, सी एल, सी एल किसके इक्वल होगा एल डी, एल ए के, एल ए के, सी एल, सी एल किसके इक्वल होगा एल ए के, किसके इक्वल होगा एल ए के, क्योंकि मध्य बिंदु है एल,
अब ये हो गया 4LM, अब प्लस में 2AL, इसको चेंज कर दे, LA कर दे तो क्या ना पॉजिटिव वाला नेगेटिव दे देगा, और इसको भी चेंज कर दे तो पॉजिटिव वाला क्या देगा नेगेटिव में हो जाएगा, और प्लस में टू B वेक्टर M प्लस में 2L वेक्टर A, ए पॉजिटिव में ए निगेटिव, पॉजिटिव कट गया और क्या गया 4LM वेक्टर 4LM, ये हो गया आंसर। ए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, वो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये ना क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही सिंपल है, ए करा एक समांतर चतुर्भुज है, क्या ना ए बी सी और डी इस समांतर चतुर्भुज बना ले, फिर करा तथा पी इसके विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है, ए विकर्ण ये दोनों के विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु पी है, फिर करा यदि वो समांतर चतुर्भुज के तल में कोई बिंदु है, समांतर चतुर्भुज के तल में कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लिए क्या ना ओ, ये बिंदु ओ कोई बिंदु है, तो सिद्ध करे कि ओ ए, अब प्लस में प्रूफ वेक्टर ओ ए ओ बी और प्लस में वेक्टर ओ सी प्लस में वेक्टर ओ डी इक्वल टू 4 वेक्टर ओ पी, ए प्रूफ करना, तो सिंपल है, तो ए ना हम लोग एल एच एस से चल देंगे, एल एच एस में वेक्टर ओ ए प्लस में वेक्टर ओ बी प्लस में वेक्टर ओ सी प्लस में वेक्टर ओ डी, ये हो गया, और ओ ए ओ ए है तो इसको लिख सकते हैं ओ पी और प्लस में पी ए लिख सकते हैं पी ए और प्लस में ओ बी, ओ बी को क्या लिख सकते हैं ओ पी और प्लस में पी बी, ओ सी, ओ सी को क्या लिख सकते हैं ओ पी वेक्टर ओ पी और पी सी और ओ डी, ओ डी, ओ डी को लिख सकते हैं वेक्टर ओ पी प्लस में पी डी, क्या लिख सकते हैं पी डी, ए लिख लें, तो ओ पी ओ पी ओ पी कितना हो जाएगा 4 ओ पी अब प्लस में पी ए अब प्लस में पी बी अब प्लस में पी सी अब प्लस में पी डी, ए लिख लें, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 ओ पी वेक्टर ओ पी प्लस में और ए क्या हो गया ना पी ए, पी ए को लिख सकते माइनस में ए पी एम, चेंज कर लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, पी बी, पी बी को लिख सकते माइनस में बी पी एस, चेंज करने पे माइनस देगा, पी सी, पी सी है पी सी, पी सी ना ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के क्या होता है विकर्ण का, ये मध्य बिंदु है, तो पी सी किसके इक्वल होगा ए पी के, किसके इक्वल होगा ए पी के, तो पी सी किसके इक्वल होगा ए पी के, ए पी लिख दिए प्लस में, अब क्या है पी डी है, पी डी, पी डी किसके इक्वल होगा बी पी के, किसके इक्वल होगा बी पी के, किसके इक्वल होगा बी पी के, ते लिख लेंगे 4 ओ पी, ते माइनस में और प्लस में, माइनस में प्लस में कट गया और ये आ गया, यही तो करना था 4 वेक्टर ओ पी, ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कंप्लीट कर लिए, आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।